और ये दो दिन से एकदम बेड पे ही पड़ी हुई है कल से। तो मायरा रेडी हो गई है और आज इसको पड़ेगा इंजेक्शन, तो कार्ड भी ले चुके हैं और अभी जा रहे हैं हम हॉस्पिटल। उसके बाद मायरा का आधार कार्ड भी बनाना है। तो हस्बैंड जी आ गए हम लोग को ले जाने के लिए। मायरा सो रही थी, जाके तैयार करते करते अभी पहुंच गए हम सब इंजेक्शन लगाने के लिए। मायरा को पड़ा इंजेक्शन पैर में यहाँ पे, और एकदम पैर में स्वेलिंग आ गया, सूजन आ गया है और ये दो दिन से एकदम बेड पे ही पड़ी हुई है कल से। ठीक है बेटा, और उतना ना खेल रही है, ना चल रही है, अब खाने रही है। तो आज इसके लिए खाना लेके आए हैं, मतलब दो दिन यानी कि कल और आज, आज दोनों को मिलाकर आज दो दिन हो गए हैं। कल दोपहर में इंजेक्शन पड़ने के बाद थोड़ी देर बाद जब इसको पेन होने लगा तो फिर ये तब से रोई पड़ी हुई है और आज इसको नहीं नहा रहा है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा फीवर आ गया है। तो बस कपड़े वगैरह चेंज कर दिए हैं और अभी भिंगाते वगैरह रहती है तो फिर दोबारा से चेंज कर देते हैं। दूसरों की उठ रही है तो ये खाना बना खिलाए हैं, दूसरे भी खिलाएँगे। मैंने कल ब्लॉग इसलिए नहीं शूट किए थे क्योंकि इतना ये रो रही थी ना। वैसे तो मतलब जो बर्फ़ से सेकना होता है तो बर्फ़ से नहीं सेकते थे एक क्रीम आटा लगाने के लिए, लेकिन कुछ मार्केट में काम था, मतलब जैसे इसका आधार बनाना था तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गया था उधर में। तो जो इंजेक्शन पे दवा लगाते हैं वो लेकर नहीं गए थे जिसकी वजह से लगा नहीं पाए और इसको पेन शुरू हो गया। वो लगाते रहने से क्या होता है फ्रेंड कि जो पेन है बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन मेरे दो घंटे उधर ही चले गए जिसकी वजह से इसका पैर में तब तक की दर्द हो चुका था और घर आते आते ही रोने लगी। तो ब्लॉग भी नहीं शूट किए और आज दूसरा दिन है तो आज ब्लॉग शूट कर रहे हैं। तो अभी सो के उठी है, सुबह से सोई हुई थी, बहुत ज़्यादा फीवर है तो फीवर का दवा दे दिए थे और आज भर तो इसको पेन रहेगा क्योंकि अभी दवा लगा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत चल रही है लेकिन पैर सीधा नहीं कर रही, पैर को उठा ले रही जिसकी वजह से इसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा। तो फिलहाल तो अभी मैं इसे खाना खिला लेती हूँ। तो मायरा भी चल रही है, थोड़ा सा अच्छे से नहीं चल रही है लेकिन हाँ थोड़ा बहुत चल रही है, देख सकते हैं पैर कैसे करके रखी है। चलो तो बेटा, चलो तो, चलो तो, हाँ लाडली चल के दिखाओ तो कैसे चल रही है बेटा। हाँ तो अभी अच्छे से नहीं चल रही है, कैसे चल रहा है बेटा बताओ तो। ओ क्या, ओहो मेरी लाडली कैसे चल रही है बेटा, कैसे चल रहे मामा देख। पापा, पापा ऑफिस गए बेटा, पापा ओ हाँ भैया को बुलाओ, आइए। कौन आएगा, हाँ कौन आएगा, देखो इधर इधर देखो तो इधर इधर मम्मा की तरफ। और बाबा उसका दे दो बेटा, नहीं रुलाओ, देखो तो कैसे चल रही है, ठीक से चल रही है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड,
कैसे चलता है मम्मा, दर्द करता है रे मम्मा, रखने वाले हैं। और अभी बज रहे हैं 11:10, देखिए दिखाते हैं 11:10। और हमारी बिटिया रानी क्या कर रही है, यहाँ पूजा पाठ में लगी हुई है। 2 दिन नहीं खेली है फ्रेंड, और आज खेल रही है। 2 दिन से सिर्फ रो रही थी, चल भी नहीं रही थी ठीक से, और अभी खेल रही है तो इसको खेलने दिए कि कोई बात नहीं। और यहाँ पे देख सकते हैं दुर्गा माता का गाना लगा कर और डांस कर रही है। ओ बेटा लगा दो, देखिए कितना मायरा अभी रात को भक्ति वाला गाना देख के और खुश है। सॉरी यहाँ पे सोया है, सॉरी भी बचपन में ऐसी ही भक्ति देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ करता था, और आज सॉरी का बचपन हम मायरा में देख रहा है। लेकिन सॉरी ऐसे चिल्लाया नहीं करता था। लाडो जय कर दो, जय कर दो। तो क्या करना है इतनी रात को जागे हुए है, तो पूजा कर रही है ना, वही तो दिखा रहे हैं, बात करने का कोशिश कर रही है भगवान जी से। सही बोले ना, आपको तो नींद आ रहा होगा ना, आप तो बहुत जल्दी सो जाते हैं ना हमसे पहले, हम तो रात रात भर जग जग कर और काम करते हैं। अगर बत्ती जरा देखे, हाँ उसको ज़्यादा नहीं दिखा सकते ना। तो फ्रेंड आई होप कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें वीडियो को, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट एंड टेक केयर, तब तक के लिए बाय बाय।